अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। जानकारों का कहना है कि ये बर्फीला तूफान आर्कटिक डीप फ्रिज की वजह से आया है। कहर बरपाने वाले इस तूफान की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे अमेरिका में बीते सोमवार को 3800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। यही नहीं, बिगड़ते हालातों को देखते हुए 70% तक उड़ानें रद्द हो चुकी। तो वहीं बफेलो में भी सभी तरह की परिवहन सुविधाएं प्रभावित रहीं। यहां ट्रेनें और हवाई यात्रा को रद्द करना पड़ा। यहां तक कि भीषण बर्फबारी के चलते सड़क रास्ते भी बंद कर दिए गए। बफेलो समेत उन इलाकों में ड्राइविंग बैन लागू है। यहां बर्फ ने अपना सितम ढा रखा है। अमेरिका में चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के टेनेसी में सोमवार को एक झरने की तस्वीर भी सामने आई, जो कि सर्दी और मौसम के बर्फीले अटैक में 90% से ज्यादा जम चुकी है। वॉटरफॉल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टेलिकोप्लेनस में बॉल रिवर फॉल्स को बड़े पैमाने पर बर्फ से ढका हुआ देखा जा सकता है। अमेरिका में प्रकृति के इस कहर से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। भयानक सर्दी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर ने जीवन थाम दिया है। ऐसे में एक तरफ जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ से ढकी गाड़ियों में फ्रोजन शव मिल रहे हैं। तूफान के कहर का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि कार और घरों से लोगों के शव बाहर निकाले जा रहे हैं। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जकड़ा हुआ है, लेकिन भारत ही नहीं, अमेरिका और जापान में भी बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में अधिकांश हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही तेज हवाओं के चलते लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक फ्लोरिडा के मियामी, थम्पा, ऑरलैंडो और वेस्ट पाम बीच में 25 दिसंबर को 1983 के बाद सबसे कम तापमान रहा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।